इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इस चीज को आगे इस वीडियो में आप देखने वाले हो। अब जबकि आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो इसका मतलब साफ है कि आप ऑलरेडी ये जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। करेक्ट, वही कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली तीन क्वेश्चंस बताऊंगा। तीनों क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। ये तीनों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के हैं और एक बार इसे आप ध्यान से बना लिए और समझ लिए तो इसके बाद ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हो आप उसे इजिली बना सकते हो। तो इस वीडियो के साथ बहुत ही केयरफुल्ली बने रहिएगा और मैं फिर दावे के साथ बोल सकता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 7-24 आयोटा और हमें इसकी रूट्स फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट्स फाइंड करनी है। तो चलिए हमने ये सिंबल दे दिया और हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो इसकी स्क्वायर रूट्स होंगे उसकी जो फॉर्म होगी वो ए प्लस आई बी होगी। इतना बेसिक तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ऑलरेडी मालूम होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं और इस चीज का खास ध्यान रखिएगा ये आयोटा है। तो चलिए एनी हाउ हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ये होगा 7-24 आयोटा इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी स्क्वायर प्लस 2ab। जस्ट मैंने फॉर्मूला के हिसाब से इसे ब्रेक डाउन कर दिया। अब एज यूजुअल मुझे कॉपी डाउन करते जाना है। देखो मैं ए स्क्वायर को यूं ही लिखता हूं, अब ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस बी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, बस इसलिए ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसे जरा खास ध्यान दीजिएगा, प्लस 2ab आयोटा, राइट। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हो ये जो है ये 7 के इक्वल होगा और ये जो है पूरा ये 24 आयोटा के साथ होगा, या फिर आप कह सकते हो 2ab इज इक्वल टू 24 और नेगेटिव का भी आप ध्यान रखोगे, राइट। तो चलिए बस मैं कंपेयर करके लिख देता हूं जो भी मैंने ऑब्जर्व किया। और क्या मैंने ऑब्जर्व किया ये आपके सामने है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसे साथ ही साथ मैं कंसीडर कर लेता हूं इक्वेशन 1, मैं इसे आगे यूज करने वाला हूं। आफ्टर दैट 2ab इज इक्वल टू नेगेटिव 24। बेहद सिंपल है ये, इसे भी कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन 2। आफ्टर दैट अब देखो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आप ऐसा करो इसके बाद एक क्वांटिटी निकालो जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज को फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला नया तो नहीं है। पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फिर से होल स्क्वायर और ये प्लस 4ab स्क्वायर, एज वेल एज आपको रूट भी डालना होगा। तो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्लास 10th में भी आपने इस फॉर्मूले को यूज किया था। लेसन का नाम मैं बता दूं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, इसे इजीली आप वेरीफाई भी कर सकते हो। आप देखो इसे, इसे ब्रेक कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर सिंप्लीफाई कर दो, देख लो ये इसके इक्वल आएगा, राइट। अब करना क्या है, अब सिंपली सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 7 स्क्वायर प्लस इसको देखो तो आप क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो बहुत ही इजीली ऐसा लिख सकते हो ना, 2ab होल स्क्वायर। अब वैल्यूज को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो या सिंप्लीफाई कर दो। देखो ये है 7 स्क्वायर यानी कि ये हो गया 49 प्लस, बताओ मुझे 2ab का वैल्यू क्या है, -24। और जब आप -24 का स्क्वायर लोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में हो जाएगा और है ये 576, राइट। स्क्वायर रूट एज यूजुअल आप कॉपी डाउन कर लो, आफ्टर दैट ऐड कर लो, ऐड करने के बाद ये आपको देगा 625 एंड यू नो वेल द स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25। ऐसे तो आप शायद सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस 25 होगा, राइट, लेकिन एक चीज ध्यान में दो, देखो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए जो भी हो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली ये बी कुछ भी हो अगर स्क्वायर कर दे तो पॉजिटिव,
तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो यू मस्ट राइट ओनली 25 और यू कैन राइट प्लस 25. इन ब्रैकेट यू कैन राइट सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट. चलिए इसे कंसीडर कर लीजिए इक्वेशन 3. अब इसके बाद क्या करना है इस चीज को ध्यान से देखो. ये है आपके पास इक्वेशन 1, ये है 2, ये है 3. अब बस इक्वेशन 1 और 3 को आप सॉल्व कर लीजिए. चलिए मैं लिखता हूं यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 है. और इक्वेशन जो 3 है वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट. इक्वेशन 3 है ये. बस इन दोनों को ऐड कर लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इट विल गिव यू 2a² इज इक्वल टू 32. तो इससे आपको क्या मिलता है, देखो a² इज इक्वल टू 16. अल्टीमेटली इट विल गिव यू a एज प्लस माइनस 4. इस बार ध्यान देने वाली बात ये है कि जो a का वैल्यू है ये डेफिनेटली प्लस माइनस 4 हो सकता है, लेकिन यहां क्या था, यहां जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये किसी भी कीमत पे नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं देगा. ओके, अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को यूज करके आप अल्टीमेटली बी का वैल्यू फाइंड करोगे और इसके लिए हेल्प लोगे इक्वेशन 1 का या फिर इक्वेशन 3 का. तो चलिए इक्वेशन 1 ही यूज करते हैं. तो देखो क्या होगा, 16 ए स्क्वायर के बदले और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7. बस जरा सा इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 16. अल्टीमेटली इट विल गिव यू नेगेटिव बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है देखिए तो नेगेटिव 9 है, और इस तरीके से ये आप कैंसिल आउट करोगे और अल्टीमेटली ये आपको दे देगा बी का वैल्यू एज प्लस माइनस 3. बेहद सिंपल है ये. इस तरीके से अब आपके सामने है ए और बी दोनों का वैल्यू. ऑलमोस्ट समझिए काम आपका हो चुका है. के बाद एक और चीज आप ध्यान में रखोगे, इक्वेशन सेकंड में आ जाओ. आप इससे ये ऑब्जर्व कर सकते हो a इंटू बी इज इक्वल टू नेगेटिव 12. a और b का जो प्रोडक्ट है ये क्या है, नेगेटिव 12 है. ये 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव 12 हो जाएगा. तो a और b का जो प्रोडक्ट है ये कितना है, नेगेटिव 12 है. जस्ट आप नेगेटिव सिंबल को देखो, तो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ये नेगेटिव कब होता है, तो नेगेटिव इस कंडीशन में होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव. तो इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि जब a का वैल्यू 4 होगा तो b का वैल्यू माइनस 3 होना चाहिए. एज वेल एज दूसरे केस के मुताबिक जब a का वैल्यू नेगेटिव 4 होगा तो b का वैल्यू पॉजिटिव 3 होना चाहिए, राइट. यानी कि a भी नेगेटिव और b भी नेगेटिव ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इसे वो डिसऑबे कर देगा. तो ये चीज आपको ऑब्जर्व पहले कर लेना है. इतना करने के बाद अब आप इजीली लिख सकते हो 7 माइनस 24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट ये क्या होगा, ये देखो a प्लस आयोटा b आपने लिखा था ना, तो a क्या है देखो 4 प्लस आयोटा माइनस 3, एक ये होगा और दूसरा क्या हो जाएगा देखो, इसके हिसाब से लिखोगे तो नेगेटिव 4 प्लस 3 आयोटा. थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, माइनस 3 आयोटा और ये देखो क्या हो गया, माइनस 4 प्लस 3 आयोटा. ये तो एज यूजुअल आपने लिखा. अब आप चाहो तो इसे और ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, तो देखो मैं कैसे लिखता हूं, इसे ऐसा करता हूं 4 माइनस 3 आयोटा एज यूजुअल लिखता हूं और इसे माइनस कॉमन लेकर के लिख देता हूं 4 माइनस 3 आयोटा, एम आई राइट. और इसे अब और ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं ऐसा लिखता हूं प्लस माइनस, आप इसे भी छोड़ सकते हो, इसे भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 4 माइनस 3 आयोटा. देखो तो बस मैंने प्लस माइनस लिख दिया, अगर प्लस के साथ इसे यूज करते हो तो ये होगा, माइनस के साथ यूज करोगे तो ये हो जाएगा. तो इस तरीके से आपने फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था 7 माइनस 24 आयोटा. ओके, अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये है 5 प्लस 12 आयोटा. स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं हम,
तो एज यूजुअल आप इसे भी लेट कर लो a प्लस आयोटा b, सिंपल है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो आप, तो 5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा सा जंप कर लूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ये हो जाएगा। इसके बाद आप बहुत ही केयरफुल्ली और इसलिए आप देख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कंपेयर कर रहे हो ना आप, तो ये 5 हो जाएगा। साथ ही साथ आप इसे इक्वेशन 1 भी कंसीडर कर लो। सिमिलरली 2ab इज इक्वल टू 12, 2ab इज इक्वल टू 12, इस बार पॉजिटिव में है, पिछली बार जो था वो नेगेटिव में था, राइट ये चीज क्लियर है। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद आप फाइंड करते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। मैंने फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बताया था। देखो ऐसे क्वेश्चंस की खासियत क्या है कि एक क्वेश्चन को भी अगर आपने केयरफुली बना लिया तो फिर समझो ऐसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन जो तीसरा एग्जांपल दूंगा वो थोड़ा यूनिक होगा, उसे ध्यान से आप देख लेना। तो चलिए एनी हाउ इसे कंटिन्यू करते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, am I right? और स्क्वायर रूट तो आपको दे देना चाहिए। नाउ बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसकी वैल्यू 5, तो ये कितनी हो जाएगी 25, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो 2ab होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो अल्टीमेटली 144। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हो 169। और ये स्क्वायर रूट किसका होता है 13 का, और 13 का स्क्वायर रूट के साथ साथ आपको ये पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा। पॉजिटिव वैल्यू क्यों, क्योंकि ये साफ हमें समझ आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हर कीमत पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये दोनों स्क्वायर कभी इसे नेगेटिव नहीं होने देगा। इस चीज को फिर से समझ लीजिए, ये दो जो स्क्वायर है ए में और बी में सेपरेटली, ये कभी भी इस पूरे टर्म को या क्वांटिटी को नेगेटिव नहीं होने देगा। तो चलिए इसे हम इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास है इक्वेशन 1, 2 और 3। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है। थोड़ा सा पार्टीशन करते जाते हैं ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ा क्लियर हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये है इक्वेशन 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये है इक्वेशन 2। बस इसे ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये आपको देगा 2a स्क्वायर is equal to, ये देखिए कितना हो गया, ये है हो जाएगा 18। तो ultimately a square is equal to 9, so it will give you a as plus minus 3। इस बार दोनों आप values को लोगे, plus minus दोनों values होंगे। a को आप substitute कर दोगे equation 1 में या फिर 3 में to get the value of b। तो देखिए इसको मैं use करता हूँ 1 वाले को, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 9 हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 9। तो चलिए इसको लिखते हैं केयरफुली, 9 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सो इसे उस तरफ भेजो या जैसे मन है वैसे सिंप्लीफाई कर लो, 5 माइनस 9 विच विल गिव यू 4, सो यू कैन राइट बी स्क्वायर एज 4, ठीक है, मैं माइनस को कैंसिल करके 4 बोल रहा हूं, और इससे आपको क्या मिल जाएगा बी का वैल्यू प्लस माइनस 2, एम आई राइट। तो अब आपके पास ए और बी दोनों का वैल्यू है। इसके बाद वाली जो स्टेप है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। ये क्या है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 में देखो a और b का जो प्रोडक्ट है ये कितना होगा, 6 होगा, 2 से डिवाइड देने के बाद 6 हो जाएगा ना, तो a into b equal to 6 और पॉजिटिव 6 ना, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है आप यहां देख सकते हो, a और b का जो प्रोडक्ट है वो 6 है और वो भी पॉजिटिव 6। तो दो नंबर का प्रोडक्ट प्लस 6 कब होगा या प्लस कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, तो जाहिर सी बात है जब दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा तब तो ये प्लस होगा ना। तो यहां हमें ये बात समझ में आ जाता है, व्हेन ए इज इक्वल टू 3 दैट इज प्लस 3 देन बी इज इक्वल टू ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2। और दूसरा केस को अगर देखें उसके हिसाब से जब a का वैल्यू नेगेटिव 3 होगा तो b का वैल्यू नेगेटिव 2 होगा। तो इस कंसेप्ट को देखते हुए हमने इसे बनाया, पिछले क्वेश्चन के साथ सियोर इसे मैच कर लेना, ये बेसिक कंसेप्ट ही है,
कई बार आप पास्ट में यूज कर चुके हो, अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके केयरफुली आप ऑब्जर्व करो, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, या फिर दूसरे जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करके देखो। अब आप फाइनली आंसर लिखने वाले हो तो मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा ये कितना हो जाएगा। ये आप देख सकते हो ए प्लस आयोटा बी है, तो ए का वैल्यू 3 प्लस आयोटा बी या फिर 2 आयोटा आप लिख सकते हो, और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, दूसरा होगा जब इन दोनों को लोगे ए का वैल्यू -3 और बी का वैल्यू -2, तो अल्टीमेटली -3 प्लस -2 आयोटा ये हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे 3 प्लस 2 आयोटा, और अल्टीमेटली इसे आप ऐसा लिख सकते हो प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, दे बोथ आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब थर्ड और आखिरी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी टेक्निकल है इसलिए केयरफुल्ली और जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, बस यही है स्क्वायर रूट्स ऑफ आयोटा आपको फाइंड करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरू कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, अब बताइए इसे फिर से हम कंसीडर कर लेते हैं ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। इसे आप थोड़ा सा चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो एज पर द नीड, आपको जैसा भी बेहतर लगे आप कर लो। 0 प्लस 1 आयोटा तो आप डेफिनेटली इसे लिख सकते हो, आफ्टर दैट इस वाले हिस्से को आप लिख लो ए प्लस आयोटा बी, राइट। एज यूजुअल जस्ट स्क्वायर कर दो बोथ साइड, सो इट विल गिव यू 0 प्लस 1 आयोटा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आयोटा। एज आई टोल्ड यू पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये माइनस कैसे हो रहा है, एक्चुअली आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो बी हाफ ऑफ दैट ये हो रहा है। बस अब आप फिर से कॉम्पेयर कर लो, तो जब कॉम्पेयर करोगे तो इट विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0, इसे आप कंसीडर करोगे इक्वेशन 1, एंड एट द सेम टाइम 2 ए बी इसका वैल्यू होगा 1 और इसे कंसीडर करोगे इक्वेशन 2। तो अब इसके बाद एज यूजुअल आप फाइंड करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, और ये क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक प्यारा सा रूट आप डाल दोगे। नाउ सब्स्टिट्यूट बोथ द वैल्यूज और फिर सिंप्लीफाई कर लो, तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो 0 0 के स्क्वायर 0 ही होगी, और इसको आप सबसे पहले क्या लिखोगे 2 ए बी होल स्क्वायर, और 2 ए बी का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 और फिर पॉजिटिव ही लोगे, यहां वही वाला रीजन हमेशा की तरह लिखोगे दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर पॉजिटिव भी आप लिख सकते हो ऑलवेज पॉजिटिव, एज वेल एज आप कंसीडर कर लो इसे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 व्हाट डू यू हैव, सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एज वेल एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बस आप इसे ऐड कर लो, ऐड करने के बाद आपके सामने होगा 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इंटरेस्टिंगली ए स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा आपको हाफ, और ये अल्टीमेटली आपको देगा ए का वैल्यू जो होगा प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। चलो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, एज यूजुअल हर क्वेश्चन में आपको एक ही तरह की स्टेप फॉलो करनी है, तो आप या तो 1 को या फिर इक्वेशन 3 को यूज कर लो। चलिए इस बार इक्वेशन 3 को यूज करते हैं, तो ए स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, इस वैल्यू को यूज करोगे या इसको देख लो, तो 1 बाय 2 है प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो इट विल गिव यू बी स्क्वायर एज 1 माइनस 1 बाय 2, फिर से आपको ये भी देगा हाफ बी स्क्वायर का वैल्यू, और इससे आपको मिलेगा b का वैल्यू एज प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। दैट्स ऑल, ऑलमोस्ट आपका काम हो गया है। अब आपको थोड़ा सा एज यूजुअल जैसे हरे जैसे पिछले दो क्वेश्चंस में हमने ध्यान दिया था, अब आपको वही करना है। इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को आप ऑब्जर्व करो,
इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व अगर आप करोगे तो देख सकते हो जो ए बी है इसका प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है। तो बताओ ये प्लस में कब आएगा? तो जब दोनों पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है? When A is equal to plus 1 by root 2, तो B का वैल्यू क्या होगा? ये भी plus 1 by root 2 होगा। Similarly, when A is equal to negative 1 by root 2, then it will give you B as negative 1 by root 2। ठीक है, ये negative अलग से है। ओके, ये चीज तो क्लियर है। अब अल्टीमेटली आपको फाइंड करना था स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो आप, ए प्लस आयोटा बी। तो ए का वैल्यू जब आप ये लोगे तो बी का वैल्यू ये लेना होगा। तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। और इसका दूसरा जो वैल्यू होगा और में आप लिखोगे 1/√2 लेकिन नेगेटिव के साथ, और दूसरा हो जाएगा ये वाला। इस दोनों को मैं ले रहा हूं तो नेगेटिव 1/√2 आयोटा हो जाएगा। राइट, अब देख रहे हो ना कि इन तीनों क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल सेम था। और यही तीन क्यों कहें, किसी भी क्वेश्चन को आप उठा लो आपको फॉर्मेट यही मिलेगा। तो फिलहाल तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो ये आया। इसे फाइनली बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, प्लस माइनस। ओके, बाय द वे आप चाहो तो इससे 1/√2 कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन चलो फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूं, इसके बाद मैं लेकर के आपको वो भी दिखा दूंगा। चलो ये तो ठीक है, ये फाइनल हुआ, लेकिन इसको सेमी फाइनल आप मान लो, एक फाइनल इसके बाद आप लिख लो। प्लस माइनस 1/√2 आप कॉमन ले लो, ठीक है। और अब ब्रैकेट में लिखो इसके बदले 1 प्लस जस्ट आप लिखो आयोटा। ये है स्क्वायर रूट्स ऑफ आयोटा। राइट, आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।